हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजी भारत। मेरा नाम है सोनू कुमार। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आ गया हूँ काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पे इनसर्ट वीडियो एडिटिंग पे कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं, तो उसी का ये चौथा भाग है। और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप क्रोमा की इस्तेमाल करते हैं अपने वीडियो में, तो उसको आप किस तरह से एडिट कीजिएगा इनसर्ट वीडियो एडिटिंग में। तो कंप्लीट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आप क्रोमा की रिमूव कर पाइएगा, वो भी इनसर्ट वीडियो एडिटर में। कंप्लीट आपको इस वीडियो को देखना होगा, तभी आपको कंप्लीट नॉलेज हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर दिया जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब चलिए हम इनसर्ट ऐप को यहां पे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इनसर्ट ऐप का इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। अब यहां पे हम वीडियो में जाते हैं। वीडियो में जाने के बाद यहाँ पे हम एक वीडियो को चूज कर लेते हैं जिसको हमें एडिट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फोटेज को चूज कर लिया है। इस बार मैंने एक फोटेज चूज किया है, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब आप चाहते हैं कि इस फोटेज का जो टाइमलाइन है उसको आप बढ़ा दें, यानी कि ज्यादा देर तक फोटो रहे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। लास्ट में आप देख रहे होंगे व्हाइट कलर का एक एरो का आपको यहाँ पे साइन दिखेगा, इस पर आपको प्रेस करना है और इसको आप जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हैं फोटो को, वीडियो को नहीं। वीडियो का तो जितना लेंथ रहेगा उतना ही बढ़ेगा, लेकिन फोटो को आप जितना चाहें आप उतना स्ट्रेच कर सकते हैं। तो देखिए हमने करीब यहां पे 24 सेकंड के लिए इसको बढ़ा दिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे क्रोमा की का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम पिप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पिप से हम यहाँ पे लेयर बाय लेयर लगा सकते हैं। तो इसी फोटो पे हम ऊपर एक क्रोमा की वीडियो इंपोर्ट कराएंगे और उसमें जो ग्रीन स्क्रीन है उसको मैं रिमूव करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं पिप पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही पिप पे क्लिक किया, तो देखिए इस मोबाइल में जितने भी वीडियो फाइल है वो सारा आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो क्रोमा वाला वीडियो डाउनलोड करके रखा है उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ चुका है। और नीचे की तरफ टाइमलाइन में भी देख रहे होंगे यहाँ पे जो फोटेज था उसके ऊपर एक ग्रीन स्क्रीन वाला जो वीडियो है वो आ चुका है, यानी कि यहाँ पे लेयर पे काम हो चुका है। अगर आपको लेयर पे काम करना है लेयर बाय लेयर, तो पिप का इस्तेमाल करके आप इसमें मल्टीपल लेयर को आप ऐड कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो दुर्गा माता वाला यहाँ पे वीडियो है उसके पीछे यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड है। या तो ये ग्रीन बैकग्राउंड हो या तो ये ब्लू बैकग्राउंड हो, आप यहाँ पे इजिली रिमूव कर सकते हैं। बस खाली क्राइटेरिया यही है कि जो बैकग्राउंड है वो सेम कलर का होना चाहिए, चाहे वो ब्लू हो, रेड हो, ग्रीन हो, कुछ भी हो, वहाँ पे इजिली रिमूव कर देगा। अब कैसे करेगा, एक क्रोमा की किस तरह से काम करेगा इस ऐप में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ उसका टूल्स कहाँ पे है। यानी कि ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करते ही आप देख रहे होंगे ऊपर में कुछ टूल्स आपके सामने हाइलाइट्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको की फ्रेम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको मोशन में कुछ करना है, इफेक्ट लगाना है, तो आप की फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिट, स्प्लिट, डिलीट और उसके बाद फिल्टर, मास्क, और मास्क के जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको क्रोमा का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अब आपको सिंपली इसी जो टूल्स है इसी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं क्रोमा पे क्लिक करता हूँ। क्रोमा पर क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पे कलर चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। एक आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको पेन ड्रॉप देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप जिस कलर को आप यहाँ पे रिमूव करना चाहते हैं उस कलर पे ले जाके जो सर्कल है इसके प्लस वाले सिंबल को वहाँ पर रख देना है। बस जैसे ही आप यहाँ पर रख दीजिएगा तो देखिए जो दुर्गा माता के पीछे वाला जो ग्रीन स्क्रीन था वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर हल्का फुल्का ग्रीन दिख भी रहा है तो आप यहाँ पर स्ट्रेंथ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर हम फुल कर देते हैं तो जो भी उनके मुकुट में हल्का फुल्का ग्रीन था वो भी रिमूव हो चुका है। और अगर यहाँ पे शेडो आप देख रहे होंगे, अगर शेडो इफेक्ट भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हल्का सा लगा के आप इसको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर वीडियो आप यहाँ पे बना सकते हैं। पूरी तरह से यहाँ पे जो ग्रीन स्क्रीन था वो रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो पिप वाला यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन फोटेज था वो यहाँ पे जो हमारा वीडियो है उसमें रिमूव हो चुका है। आप प्रीव्यू विंडोज में भी आप इसको देख पा रहे होंगे। अब इसको आप जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम इसको अगर यहीं पे बड़ा स्क्रीन में अगर दिखाना चाहते हैं फुल स्क्रीन में, तो यहां पे हम इसको इस तरह से बड़ा करके और इस तरह से हम यहां पे दिखा सकते हैं। अगर हम इसको प्ले करेंगे तो देखिए जो वीडियो है वो चलता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन यहां पे जो ग्रीन स्क्रीन था वो रिमूव हो चुका है, यानी कि यहां पे क्रोमा की का इस्तेमाल हो चुका है। यहां पे जैसे ही अब क्रोमा की कैसे करना है फिर से मैं आपको बता देता हूं। जो भी आपने ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो यहां पे इंपोर्ट करा है उस पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर कुछ टूल्स आ जाएंगे जिसमें आप मास्क के बगल में आप देख रहे होंगे यहां पे क्रोमा का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और जो भी यहाँ पे सर्कल बना हुआ आ रहा है उसके जो सेंटर में प्लस का साइन है उसको आपको उस कलर पे ले जाना है जिस कलर को आपको रिमूव करना है। और जैसे ही आप वहां पे लेके जाइएगा तो कलर रिमूव हो जाएगा कुछ इस तरह से, और उसको आप एडजस्ट कर लीजिए उसका स्ट्रेंथ वगैरह, तो आपका
क्वालिटी कुछ इस तरह से आ जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यानी कि क्रोमा की यहाँ पे यूज हो चुका है इस वीडियो फाइल में। तो इस तरह से अब इसमें अगर आप की फ्रेम वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप वो भी काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। उसके लिए मैं बता देता हूँ कैसे लगाना है। जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो को मैं सबसे पहले यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर मैं की फ्रेम को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया और वीडियो फाइल को मैं यहाँ पर लास्ट पर ले गया, और जो हमारा यहाँ पे क्रोमा की वाला जो वीडियो है वो आप देख रहे होंगे सबसे लास्ट में है। इसको हम इधर की तरफ सबसे लास्ट में कर देंगे, यानी कि राइट साइड सबसे लास्ट में कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे की फ्रेम यहाँ पे लग चुका है। अब अगर हम वीडियो को प्ले करके आपको दिखाएं तो देखिए ये वीडियो किस तरह से दिखेगा। ये वीडियो आपको इस तरह से चलता हुआ दिखेगा, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वाले फोटेज इस्तेमाल किया उसके पीछे का जो ग्रीन स्क्रीन है उसको मैंने क्रोमा की मदद से हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम की फ्रेम लगा देते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट आ जाता है। अब इसके पीछे अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं तो एक स्टेटस बन के आपका तैयार हो जाएगा, जिसको आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या रील्स वगैरह में अगर आप अपलोड करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। काफी बेहतर वीडियो यहां पे बनके तैयार हो चुका है। तो कुछ इस तरह से अगर ग्रीन फुटेज वाला कोई भी वीडियो है तो उसको आप इस तरह से एडिट करके और काफी आसानी से एक स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। या अगर आप लॉन्ग प्रोजेक्ट भी बनाना चाहते हैं यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए तो उसमें भी आप ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपको क्रोमा की इस्तेमाल करना होगा। पिप पे आपको क्लिक करके और उस वीडियो को इंपोर्ट कराना होगा। इंपोर्ट कराने के बाद आपको क्रोमा में जाके और वहां पे आपको कलर चूज करके उसका जो क्रोमा उसका जो ग्रीन स्क्रीन वाला लेयर है उसको आपको रिमूव करना होगा और आपके सामने कुछ इस तरह से वीडियो बनके तैयार हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप क्रोमा के इस्तेमाल कर सकते हैं इनशॉट वीडियो एडिटिंग में, यानी कि ग्रीन स्क्रीन वाले फोटेज को आप किस तरह से उसका जो ग्रीन स्क्रीन वाला बैकग्राउंड है उसको आप रिमूव कर पाइएगा वो भी इनशॉट वीडियो एडिटिंग में। सारा चीज मैंने आपको डिटेल में बता दिया, साथ में यहां पर मैंने की फ्रेम का भी इस्तेमाल करके आपको दिखा दिया कि किस तरह से आप की फ्रेम का इस्तेमाल कीजिएगा अपने वीडियोज फोटेज को एनिमेट कराने के लिए, जो कि आपने देखा काफी बेहतर वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। अब आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद आप उसको जहां चाहे वहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह का इंटरेस्टिंग आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में हमेशा आपके लिए लेकर आते रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।